हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू मिनट सीरीज में, जिसमें हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताने की ट्राई करते हैं। आज दिन है इकोनॉमी का और इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीड, क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का शुरू हो जो 1 मार्च को शुरू हो जाएगा, 11 हफ्ते चलेगा। एंड यहां पर आपको बताना जरूरी है कि कुछ अर्ली बर्ड ऑफर चल रहे हैं, जैसे आज शाम तक अगर आप करते हैं एनरोल तो 1000 रुपीज है, अगर क्रैश कोर्स एंड क्रैश एंड टेस्ट दोनों इकट्ठे ज्वाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑफलाइन बैच की अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी, ऑल इंडिया टेस्ट दिया था तो डिस्कशन अवेलेबल है। चलिए जाने कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन है। वो ऐसा एक इंसान जिसने 100 करोड़ रुपए या ज्यादा लेकर अभी वो देश से चंपत, ठीक है, देश से गायब, एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम इंडिया है या फिर इंडिया आने से वापसी है, उसकी मनाही कर रहा है, रिफ्यूजिंग टू कम बैक। ठीक है, कि यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक ऑफेंसेज कौन से जो मुझे बताने चाहिए। पहली बात तो है फ्रॉड, काउंटरफीटिंग, मतलब नोट नकली बना लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा यहां वहां कर दिया सरकार को बिना बताए, टैक्स इवेजन, ऑनर्स नहीं किया आपने चेक्स एटसेट्रा। सरकार ने इसमें 55 इकोनॉमिक ऑफेंसेस इसमें लिस्ट में डाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो एंड देन जो एफईओ कौन डिक्लेयर करता है, एफईओ एक स्पेशल कोड डिक्लेयर करता है जो कौन से एक्ट के अंदर बनाया जाता है, पीएमएलए एक्ट, आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, पीएमएलए एक्ट के अंदर स्पेशल कोड है, वही डिक्लेयर करेगा एफईओ। अगर एफईओ कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी जो भी उस जो लगता है उस जो क्रिमिनल एक्टिविटी की गई जिसके तहत वहां पर जो पैसा जो जमा किया गया उससे जो भी प्रॉपर्टी बनी थी वो इंक्लूडिंग जो बेनामी प्रॉपर्टी उसको कन्फिस्केट कर लिया जाता है, सरकार अपनी प्रॉपर्टी उसको बना लेती है। ठीक है, अब कोई अगर लेसे प्रॉपर्टी अब्रॉड है उस केस में क्या होगा, उस केस में अब्रॉड वाली प्रॉपर्टीज को भी कन्फिस्केट करने का यहां पर प्रोविजन है। ठीक है दोस्तों, तो अब्रॉड वाली प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट हो जाएंगी, ये बात जाननी जरूरी है, प्री में पूछी जा सकती है। और जैसे एक और चीज मैं चाहता हूं जाने कि कौन से प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है हमारा ये पर्टिकुलर जो एक्ट बन गया, अब ये है यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उस पर ये बेस्ड है। इंडिया ने 2011 में इसको रेटिफाई किया था, आपसे पूछ सकते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को। ठीक है दोस्तों, और कन्फिस्केशन एक मैंने टर्म यूज की थी, का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि परमानेंटली डिप्राइव कर दिया गया है जिसकी भी प्रॉपर्टी थी उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनरशिप से, परमानेंट डिप्रीवेशन। ठीक है, ये टेंपरेरी नहीं है कि पैसा भुगतान कर दिया, जेल काट ली, पैसा वापस आ जाएगी प्रॉपर्टी, नो ऐसा नहीं होगा, परमानेंट डिप्रीवेशन है। ठीक है दोस्तों, एंड बस यही एक छोटे सा यहाँ पे आपके साथ अटेम्प्ट था कि जो बताने का कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो जुड़ी हुई हैं, 2 मिनट सीरीज में आपको बस ओरिएंट करने की ट्राई कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए, अब शाम को भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे और हर रोज मिलते रहेंगे, क्रैश कोर्स में और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अपडेशन भी करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।